भी भाऊ, अपना भाई है तू, और जब ये बिग बॉस से तुझे निकाल दिया गया, पहली फुर्सत में निकाल, बहुत बुरा लगा यार, क्योंकि मुझे लगा था कि अपना भाई जो है वो जीत के आएगा, तो बहुत दुख हुआ दीपक कलाल को। लेकिन चलो यार जो भी है, और बाहर आते ही यार तूने मेरे ऊपर वीडियो बनाई, मैंने सोचा चलो हमेशा के जैसे तूने मेरी बहुत तारीफ की होगी यार, लेकिन जब मैंने वीडियो देखी ना, चीयर्स, बहुत बुरा लगा मेरी जान, क्योंकि तूने मुझे बहुत गलत समझा। वो जो लड़की है ना रेडियो मिर्ची में जहां पे मेरा इंटरव्यू लिया गया, मैंने वो लड़की की बहुत इज्जत की, और यार वो जो इंटरव्यू में जो भी ये सब बातें होती हैं वो सब स्क्रिप्टेड होती है यार, वो सच थोड़ी होती है। इनफैक्ट वो जो डायरेक्टर है रेडियो मिर्ची के, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के, नारायणन करके, तो उनका मुझे कॉल आया, उन्होंने कहा कि दीपक जी हमारा ये चैनल फिलहाल डाउन चल रहा है, तो आपको जो है उसको अपलिफ्ट करना है। तो मैंने कहा ठीक है चलेगा। तो उन्होंने कुछ 3 करोड़ रुपए मुझे दिए, और मैंने उनको कुछ 2000 मिलियंस व्यूज मैंने उनको दिए उस कॉन्ट्रोवर्शियल वीडियो को, जिसके कारण रेडियो मिर्ची जो है वो फेमस हो गया। तो ये जितने भी वीडियोस होते हैं मेरी जान, वो सब स्क्रिप्टेड होते हैं। रियलिटी में मैं बहुत इज्जत करता हूं लड़कियों की। इनफैक्ट वो जो लड़की है अपनी आरजे महावेश, गरीब लड़की है, जॉब करती है वो रेडियो मिर्ची में, जिसने मेरा इंटरव्यू लिया, और पूरा महीना मेहनत करके 5-6 लाख रुपए महीना कमाती है। मुझे उसके ऊपर भी तरस आया, उसको मैं डिस्को लेके गया, उसके बाद में उसको मैंने 4 बजे के पहले उसके घर पे भी छोड़ दिया। तो यार मैं लड़कियों की खुद बहुत इज्जत करता हूं, तो ऐसे कुछ भी नहीं है मेरी जान। और यार हिंदुस्तानी बहन, तू पता नहीं यार मुझसे क्यों नाराज है यार। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि यार हम अच्छे दोस्त बनेंगे, और उसके बाद में तुझे अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो लाइफ में, यार मैं बैठा हूं यहां पे दीपक भाई तेरी हेल्प करने के लिए। और इनफैक्ट यू नो वो जो 3 करोड़ रुपए मुझे मिले, तो उसमें मैंने और 5 करोड़ डाल के, खुद के 5 करोड़ डाल के मैंने वो कंबोडिया को डोनेट किए, क्योंकि मैंने कंबोडिया जैसे गरीब कंट्री, और 1-2 कंट्री है सोमालिया वगैरह, तो उनको मैंने एडॉप्ट किया है। तो मेरी जान ऐसे नहीं है, लड़कियों की हम इज्जत करते हैं, और बस यार ऐसे कुछ भी नहीं है। तो बस तू आ जा यहां पे लॉस एंजलिस में, हम घूमेंगे मेरी जान, मेरे लैम्बोर्गिनी में, ऐसे कुछ भी नहीं है। और बस बाकी यार यही है कि थोड़ा बुरा लगा कि तुझे पहली फुर्सत में भगा दिया, बट जो भी है मेरी जान, चलो चीयर्स दोस्तों, मॉ टाटा। और मैं कैसे लग रहा हूं, संजय दत्त लग रहा हूं ना, इसीलिए यार मैं बिग बॉस नहीं गया यार, क्योंकि वहां पे कैसे है ना, लाखों में कमाने से अच्छा है कि बाहर कुछ सेटिंग करके बंदा करोड़ों में कमा सकता है, क्योंकि बिग बॉस वाले है ना साले कभी भी निकाल लेते पहली फुर्सत में। ठीक है चलो बाय, टेक केयर, मॉ।